मैंने प्रत्येक बार प्रयास किया पिताजी, तपस्या भी की, किंतु अगली बार फिर से मैं आपकी बात समझने में विफल हुआ। इसका क्या कारण है पिताजी? जिस मन पर शब्दों का आक्रमण हो, मन तो निरंतर एक खोज में खोया रहता। कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों, कभी वन, किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। वो व्यक्ति जहां भी रहे पुत्र, जहां भी जाए और जहां भी खोजे, तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिक, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और की, तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती, और जो मन केवल शब्दों को सुनता है वो उसके निहित अर्थ से स्वयं वंचित रह जाता है। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके, किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान अर्जन है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो उन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की शुदा शांत हो जाती, इसीलिए मात्र शब्दों की नहीं बोलता, उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते, यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा और चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती, किंतु यदि अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक, शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत, अज्ञानता का प्रारंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियां, अनुभव, और उसके लिए मन को शांत व रिक्त तो करना ही पड़ेगा। भक्त युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, मानसिकता से होता। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता, व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती है तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहिता क्यों नहीं समझ रहा? उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खोते समझती, व्यक्ति अपने को समर्पित करते, छोड़ते अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती है।
अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट हो। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र, दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा, यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा, यद्यपि रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसका जीवन तो संकट में था, वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उसे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था, किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख पीड़ा द्वंद्वता का काल है। वही दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था, नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जाता और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचा कर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था, नदी तो बस बहे जा रही थी। हम की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु हम के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। लोहितांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे, केवल उसके अहंकार को अभी तो उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचे। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ, जो भीतर पराजित होता उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है। एक प्रश्न पूछ सकता हूं? अवश्य ऋषि कश्यप, यहां प्रश्न नहीं वहां जिज्ञासा नहीं, और जहां जिज्ञासा नहीं होती वहां ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। निसंकोच होकर पूछिए। प्रभु आप तो कालोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है उसमें ज्ञान का मूल अर्थ कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य विषय पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व हमारे और इस समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु आप ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार हमें पुनः अवगत करवाएं। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है।
जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह ज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, जो ना केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहित करे, वो ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें ना केवल अपने अपितु दूसरों के दुख और सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है, किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधता जाता है, मोह माया में उलझता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। अब प्रभु, तांडव की परिभाषा क्या है? क्या है तांडव? उसे आरंभ करने से पूर्व मन में कैसे भाव होने चाहिए? तांडव नृत्य जगत की पांच क्रियाओं का संकलन है, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। मेरे नित्याकार शरीर के पांच मुख, इन्हीं पांच भूतों से ब्रह्मांड का निर्माण होता। पृथ्वी से सभी भूतों के शरीर बनते हैं और उनका पालन जल से होता है, और संपूर्ण भूतों का अंत अग्नि से होता है। वायु तथा आकाश में तिरोभाव और अनुग्रह की शक्ति, इस प्रकार मेरे ये पंच महाभूत मुख मेरे नृत्य की पांच महाक्रियाओं का प्रतीक है। धन आवश्यक है ऋषि यंत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे, तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है, वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना। ऐसे लोभी व्यक्तियों को
अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। वैसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। धन चाहे कितना भी हो ऋषियत, मूल आवश्यकता है तो केवल उतनी। धन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहे। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है। संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के, शक्तिशाली बनना अत्यंत कठिन है, किंतु उससे भी कठिन होता है शक्तिशाली बने रहना। और इसके लिए आवश्यक है कि हम शक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरदायित्व का सम्मान करें। अन्यथा हम स्वयं पर निरंतर खो देते हैं और यह हमारे पतन का कारण बनता है। युद्ध में की गई भूल और उपलब्धियों से कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक है। कार्य बुराई और अच्छाई के मध्य ये युद्ध निरंतर चलता है। आज एक अध्याय समाप्त हुआ है, कल दूसरा अध्याय आरंभ होगा। जब तक इस समस्त संसार में बुराई तो अच्छाई भी प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति, किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना है जीवन का उद्देश्य मान रहे थे। इस समस्त संसार माया, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का सोच समझ कर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोक का परित्याग नहीं करते वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता?
किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? और दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती है, उसे भंग कर देती है। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती है। प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत, और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी। इसलिए अनावश्यक। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराए का भेद मिटाना अनिवार्य है। और ये तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं अपने भीतर करें, जब हम यथार्थ को पहचान उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करें। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे। जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया। प्रभु, ये विवाह मुझे स्वीकार्य नहीं है। प्रभु, मैं मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी संबंध मेरे भक्ति को विभाजित या बाधित करने का कारण बने। बंदी, विवाह तुम्हें मेरी भक्ति के लिए अयोग्य कैसे बना देगा? उसमें बाधा कैसे उत्पन्न कर देगा? माता, आपके और प्रभु के बीच में इतनी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई फिर भी आप दोनों स्थिर रहे, किंतु मेरे लिए यह संभव नहीं है माता, क्योंकि मैं अपने दायित्व के मार्ग में कोई भी विकर्षण सहन ही नहीं कर सकता। नंदी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले तो तुम केवल मेरे प्रति ही समर्पित थे, किंतु अब तुम मेरे साथ साथ पार्वती की भी आराधना करते हो। क्यों? प्रभु, माता आपके अर्धांगिनी है, आपकी पूरक, जिस प्रकार आप उनके पूरक हैं। आप माता के कारण आनंदित रहते हैं, उनकी उपस्थिति आपको प्रसन्नता देती है।
ना हर्षित, उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। फिर कुमार कार्तिकेय का जन्म, अशोक सुंदरी का जन्म और फिर हमारे गणेश का जन्म। प्रभु, इस प्रकार मैंने कैलाश को पूर्ण होते हुए देखा है और यह सब माता के कारण ही हुआ है। प्रभु, जिस कैलाश में आप वास करते थे उसे माता ने निवास बना दिया, इस कैलाश को संपूर्ण कर दिया। अर्थात अर्थात व्यक्ति की पूर्णता हेतु विवाह आवश्यक है नंदी। जैसे स्वामी और हम एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार तुम्हारी अर्थांगिनी और तुम एक दूसरे के पूरक बनोगे। विवाहित जीवन की अनुभूति, परिवार का सुख, उसके सुख और उसकी सुरक्षा के लिए संघर्ष, ये सभी अनुभूतियां व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है नंदी। किंतु प्रभु, मेरी स्वतंत्रता। स्वतंत्र तो वो नहीं है नंदी जो विवाह के विचार से भयभीत तो होते हैं या संकोच करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता तो वो है जो किसी भी विचार से प्रभावित ना हो, किसी भी सुख किसी भी दुख से प्रभावित ना हो। और जो व्यक्ति इतना तटस्थ हो, जागरूक हो, उसकी स्वतंत्रता को तो विवाह से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। और फिर क्या गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदर, ये सभी विवाह उपरांत परिवर्तित हो गए, क्या उनका विवाहित होना उनकी भक्ति और उनके समर्पण में बाधा बन गया नंदी, उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन गया? क्या अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम और उनका सेवा भाव घट गया नंदी? फिर मेरे एक और पुत्र को यह चिंता क्यों? ये भय क्यों नंदी? अग्नि जलाती है, जल बुझाता है, दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है, दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार समस्त संसार सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित, संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी। सृष्टि के निर्माण उपरांत एक बार नारायण ने तप के लिए महादेव से उत्तम स्थान के निर्देश की याचना की। महादेव ने अपनी प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकोशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित होकर नारायण ने बहुत काल तक तपस्या की। नारायण की तपस्या के अनंतर ही उस क्षेत्र में महादेव की कृपा से अनेक नदी नद सरिताएं उत्पन्न हुई। सबको देखकर आनंदमयी हो उठे नारायण ने जैसे ही अपना शीश हिलाया, उनके
के कान की मणि गिर पड़ी। मणिकर्णिका के उस पंचकोश वाले विस्तृत क्षेत्र को महादेव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पंचकोशी तीर्थ को सभी 14 लोकों से पृथक रखा और आगे इन सबसे अलग उसको मृत्यु लोक में स्थापित किया। नारायण की यह मणिकर्णिका हमारे द्वारा निर्मित इस विश्व में स्थान पाए और सभी जीवों को हमारी ओर लाने का साधन बने। महादेव, आपने कहा था कि आप इसे इस लोक में स्थापित करेंगे, अब समय आ गया है। महादेव की कृपा से उस मणिकर्णिका का विस्तार पंचकोश तक हो गया। ये मणिकर्णिका पंचकोश की काशी बनकर इस पृथ्वी पर सदैव रहेगी। यह अविनाशी है चिरकाल तक। सृष्टि के अंत के पश्चात भी इसका अंत नहीं होगा। ये भूमि मुझे सदैव प्रिय रहेगी। क्या तप करके स्वयं नारायण तीनों लोकों को प्रकाशित किया, इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं इसे कभी भी नष्ट और विनष्ट नहीं होने दूंगा। ब्रह्मदेव, जब संसार के आवर्तन के पश्चात प्रलय आएगा, मैं इस काशी को पुनः अपने त्रिशूल पर धारण करूंगा और नवीन संसार में पुनः स्थापित करूंगा। तो यहां मेरा अस्तित्व सदैव रहेगा। क्षेत्र से अपने आत्मिक योग को ध्यान में रखते हुए अपने ज्योतिर्लिंग को वहां स्थापित किया, जो इस क्षेत्र से कदापि पृथक नहीं हो सकता। विश्व की स्थापना तो हुई, किंतु इस ज्योतिर्लिंग को आपने उस स्थान पर स्थापित किया है जिसकी ऊर्जाएं विश्व से परे हैं। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। महादेव उस काशी को अपने त्रिशूल पर प्रलय और अनुष्क की स्थिति में धारण कर उसका संरक्षण करते रहते हैं। इसीलिए क्षेत्र सभी लोगों से न्यारा है। नारायण की मणि गिरते ही उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। वो स्थान काशी में अभी।